क्या सीन ब्रो, कैसा है? बढ़िया हूँ भाई, बस क्या बोलूँ, अभी एनजीओ के प्रोजेक्ट के लिए एनजीओ नहीं मिला। अरे मेरे पहचान में है एक एनजीओ। किधर? सांता क्रूज में। तेरे घर के पास? हाँ, मेरे घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पे जाने का तो जा सकते हो। सांता क्रूज वकोला? वकोला हाँ, चर्च के उधर है। चल जाते फिर। चले बना रहे हैं, ये छोटे बच्चे जैसे ये छोटे हैं, ये छोटा है, ये लोग उन्हें देख के सीख रहे हैं। कॉलेज असाइनमेंट के तौर पे, पर अब यहाँ पे घर वाली फीलिंग आने लगी है, घर जैसा लगता है, हम बहुत अटैच हो गए इसमें। मैं बता नहीं सकता कैसा फील हो रहा है, अब हम छोड़ के जाएंगे तो बस और कुछ नहीं। यार फोन नहीं दिखा भाई, तेरे को भी आते हैं आरिश तेरे को भी नहीं आते रहूँगा, आते रहूँगा इसके कैसे लिखा तुमने? हमारा लास्ट डे और मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना एक्साइटेड हूँ, लेकिन सैड भी भाई, मैं बता नहीं सकता। अब यहाँ आज मेरा लास्ट दिन है, आज मैं चले जाऊँगा, फिर कभी बच्चों से मिल नहीं पाऊँगा। बस आज हम लोग का लास्ट डे, ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा है, बहुत इमोशनल होंगे अभी, फिर एक दो घंटे में इवेंट खत्म होगा, आज हम लोग का आखिरी दिन है, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है आगे। सो वी स्टार्टेड दिस एज ऑफ ए कॉलेज असाइनमेंट, बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन बच्चों के साथ इतना इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा सबका। मैं, मेरी टीम के सारे लोग अभी वो इमोशनली रिलेट कर पाते हैं बच्चों के साथ। सो वही अभी आज लास्ट है एनजीओ का, एंड वी आर क्वाइट सैड कि हमें छोड़ के जाना पड़ा। सो दिस इज आवर लास्ट डे ऑफ आवर एनजीओ प्रोजेक्ट, आज हमारा एनजीओ प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। और लिटरली गाइस, 2 महीने कैसे बीत गए, हमने अगस्त में शुरू किया था, आज अक्टूबर आ गया, कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एंड थैंक यू टू द टीचर्स एंड माय ग्रुप
तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि अपने एक्सपीरियंस अपना नॉलेज इन बच्चों का शेयर करें 2 महीने में, एंड वेरी गुड यार, बहुत मजा आया, एंड दिस इज आवर लास्ट यार। जैसे कि आज हमारा लास्ट डे है, बुरा तो ऑफकोर्स लग रहा है, एंड हमने जो इनके साथ टाइम स्पेंड किया है ऑफकोर्स वो एक बहुत अच्छी मेमोरी बनी है इनके साथ, अटैचमेंट। दिस इज नाइजल फ्रॉम जेवियर्स, सो ही मेट अस इन दिस एनजीओ, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? The experience is like really adorable to work with the kids and to work with other volunteers who are, you know, opening up to experiences like this newly with me. So yeah, it was really fun, really engaging. ये मानसी है, मानसी मुझे मार रही है जैसे वो रोज मारती है। ये मैं मानसी आया हुआ, ये आतिफ, प्रशांत, सबसे छोटा गणेश। Bye bye. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me. My name is Proud. And where do you live? Shivaji Nagar. So, जब से हम लोग आए, क्या-क्या तुमने changes observe किए NGO में? और कैसा था experience हमारी team के साथ? हमारे कुछ सीखने को मिला? क्या brief किया है तुम्हारे? आपके टीम के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, हमें एक मोटिवेशन मिला पढ़ाई के लिए, और हम लोग को आपने थोड़ा गाइड किया, और हम लोग बहुत मस्ती भी करे, फन। फेवरेट टीचर कौन है? मेरा आरिश दादा, नील, गणेश भैया। What's your name? My name is Mansi. I am the coordinator of Mom Foundation Trust. So, how was your experience with the national team? It was an amazing experience. It's the 3 months, how they have passed, we don't know, because this event we had, Avishkar, was happening around and they have been part of it, which we are grateful about. Okay, so you want to talk about the activities and the working hours we have completed? Yeah, so y'all have been part for 3 months, and throughout the 3 months multiple activities were conducted. And you have been communicated and coordinated with me so well, and with the children at the same time. We are really very impressed with your work. You have helped us with content, social media, everything that we have asked you all for. So thank you for that.